सो गाइस लगभग एक महीने के बाद आरसीबी को मिली है आईपीएल 2024 में उनकी दूसरी जीत। लेकिन क्या ये आरसीबी के लिए देर हो चुकी है या फिर अभी भी आरसीबी टीम 2024 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है? क्या समीकरण बनते हैं जो कि भैया आरसीबी को ऊपर लेकर जाएगी टॉप फोर में? आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्या है वो समीकरण, क्या है वो सिनेरियो जो कि भैया आरसीबी के लिए एक आखिरी रास्ता है जो कि आरसीबी को 2024 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपसे आरसीबी की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। So, दोस्तों बात की जाए आरसीबी के क्वालिफिकेशन सिनारियों की तो आईपीएल 2024 में आरसीबी ने टोटल 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें आरसीबी को 2 में जीत मिली है और 7 मुकाबलों में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। अब दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी के पास केवल और केवल 5 मुकाबले बचे हुए हैं। अभी तक आरसीबी का जो पॉइंट है वो केवल 4 है, यानी कि अगर आरसीबी टीम आगे आने वाले मुकाबलों में जीत दर्ज करती है, 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करती है तो भैया उनके टोटल पॉइंट होंगे 14। और हमने ये देखा है कि पिछले साल तक टीमें 14 पॉइंट्स में भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर रही थी। तो इसका मतलब यह है कि आरसीबी के लिए अभी भी दोस्तों प्लेऑफ्स के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं बल्कि खुले हुए हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा सा कठिन होने वाला है। जो समीकरण बनते हैं दोस्तों उसमें आरसीबी का जो पहला काम है ना वो ये है कि वो अपने बचे 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करे, न सिर्फ मैच जीते बल्कि भैया बड़े मार्जिन से मैच जीते। यानी कि अगर वो मुकाबले में चेस कर रहे हैं तो वो मैच को दोस्तों 16 से 17 ओवर में खत्म करने का प्रयास करें। अगर 15 ओवर तक मैच को खत्म कर देते हैं तो वो आरसीबी के लिए और अच्छी बात होगी। और अगर कहीं वही डिफेंस कर रहे हैं तो भैया कम से कम 40 रन, 50 रन, 60 रन से मुकाबले जीते, जो कि पिछले मुकाबले में आरसीबी ने 35 रन से जीत दर्ज की थी। अगर वो मार्जिन 70 रन, 80 रन का होता तो भैया आरसीबी के लिए और अच्छी बात होती। अभी भी आरसीबी के पास 5 मुकाबले बचे हुए हैं, उन 5 मुकाबलों में अगर आरसीबी की टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है गेंदबाजी और बल्लेबाजी से तो डेफिनेटली आरसीबी का जो पॉइंट है वो 14 होगा और साथ ही में रन रेट भी आरसीबी का काफी हद तक बेहतर रहेगा। अब दोस्तों बात की जाए समीकरण में जो दूसरा काम है वो क्या है, तो ये दोस्तों आरसीबी के लिए नहीं है बल्कि बाकी टीमों के लिए है। आरसीबी के हिसाब से देखें तो जो टॉप फोर में जो टीमें हैं ना उसमें से भैया राजस्थान रॉयल्स तो कंफर्म रूप से प्लेऑफ्स के लिए जाने वाली है, राजस्थान रॉयल्स को कोई भी टीम नहीं रोक सकता है। और वहीं पर दोस्तों कोलकाता और एसआरएच, इन दोनों में से कोई एक टीम होगा। अब बच गए 2 स्लॉट, उसमें से केकेआर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स हो सकती है। लेकिन अगर आरसीबी के दृष्टि से देखें तो बाकी टीमों को मुकाबले हारने पड़ेंगे। राजस्थान रॉयल्स को छोड़ दिया जाए और केकेआर को छोड़ दिया जाए मान के चलते हैं तो एसआरएच, एलएसजी, दिल्ली कैपिटल्स, सीएसके, जीटी, इन टीमों को ना अपने बचे हुए मुकाबले हारने पड़ेंगे। एकाध मुकाबले जीतेंगे तो चलेगा लेकिन उससे ज्यादा जीतने नहीं चाहिए, तब जाके आरसीबी टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आरसीबी की टीम ऐसा कर पाएगी और साथ ही में दूसरी टीमों से भी उनका साथ मिल पाएगा? क्योंकि बचे हुए मुकाबले में ना आरसीबी को जीत दर्ज करना काफी तक जरूरी होगा, साथ ही में उनको ये भी प्रे करना होगा कि भैया बचे हुए मुकाबलों में बाकी टीमें मैच को हारे। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है क्योंकि बचे हुए मुकाबलों में आरसीबी टीम खुद 5 मुकाबले खेलेगी जिसमें से एक मुकाबला चेन्नई से, 2 मुकाबले जीटी से, एक मुकाबला दिल्ली से और एक मुकाबला पंजाब से रहेगा। तो ऐसे में आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी खुले हुए हैं। बस आरसीबी को थोड़ा सा किस्मत चाहिए तो कि ऊपर की टीमों का खराब परफॉर्मेंस रहे और थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी कि भैया वो 5 मुकाबलों में अच्छे मार्जिन से मैच को जीते। इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, क्या आरसीबी टीम अभी भी 2024 में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। बात करते हैं आरसीबी के उन खिलाड़ियों की जिनकी अभी फॉर्म ना काफी अच्छी देखने के लिए मिली है, जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी नजर आते हैं। उसमें है दोस्तों कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार और कर्ण शर्मा। दोस्तों मैं कर्ण शर्मा को शुरू से ही बोलते हुए आ रहा था कि भैया आरसीबी को ना कर्ण शर्मा को बैठा के नहीं रखना चाहिए, मुकाबलों में मौके देने चाहिए, लेकिन आरसीबी टीम कर्ण शर्मा को इग्नोर कर रही थी। नतीजा हम सबके सामने है कि कर्ण शर्मा ने पिछले 2 मुकाबले में तबाही मचा के रख दिया है बैट से और बॉल से भी। केकेआर का मुकाबला कर्ण शर्मा लगभग दोस्तों जिता ही चुके थे, हालांकि आरसीबी को हार मिली थी। एसआरएच वाले मुकाबले में कर्ण शर्मा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, वहीं पर दोस्तों कैमरॉन ग्रीन भी बल्ले से और गेंदबाजी से दोनों से ही आरसीबी की जीत में काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस ना शुरू से ही आता तो भैया आरसीबी की स्थिति 2024 में कुछ और ही होती। पाटीदार की दोस्तों जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, पाटीदार एक काफी अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों, काफी उभरते हुए सितारे हैं। हालांकि दोस्तों मैंने पिछले कुछ वीडियो में पाटीदार को लेकर काफी हद तक गलत वीडियोस बनाई थी कि भैया पाटीदार को बाहर कर देना चाहिए, पाटीदार की काफी खराब फॉर्म है। उस टाइम यार पाटीदार से ना
पाटीदार की सच में काफी खराब फॉर्म थी, हालांकि पाटीदार ने अभी उसमें सुधार किया है और पाटीदार भी काफी अच्छी फॉर्म में है। अगर आरसीबी को 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है तो इन खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना काफी तक जरूरी है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आरसीबी के कितने परसेंटेज चांस बनते हैं कि वो 2024 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए। मेरे ख्याल से दोस्तों आरसीबी टीम अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है अगर ऊपर की टीमें मैचों को हारती है तो। अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपसे आरसीबी की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।